तो राम राम मेरे सभी भाइयों, कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। अच्छा, हैशटैग राम राम आर्मी लिख दो भाई, लिखना भूल गए हो, गलत बात है। एक आधे भाई ने लिखा था हैशटैग गंजा आर्मी, तो भाई चलो जो है आपकी मन मर्जी, आप खुश होते हो लिखो भाई, आप फील नहीं करते खुद कराए तो कोई इशू नहीं। खैर भाई, आज की जो वीडियो आपको पता होगा भाई, मेरे पास रिट्स भी है, मेरे पास बलिनो भी है। अब दोनों जो गाड़ियां हैं, दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई जो बलिनो है वो 2016 मॉडल है एंड रिट्स जो है वो 2012 मॉडल है। गाड़ी स्टार्ट हुई थी लगभग 10 साल से पहले स्टार्ट हुई थी, तो बिल्ड क्वालिटी तो यूँ है ना कि भाई रिट्स की जो 2010 में मॉडल आता था वो भी सेम ही बिल्ड क्वालिटी के साथ आता था, 2008 में जब भी आता था वो भी सेम बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आता था। सीन ये है कि भाई बलिनो जो है, और इस गाड़ी पे बलिनो पे इतनी ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं कि बिल्ड क्वालिटी कचरा है, डब्बा है, टीन का डब्बा, ये वो, तो आज जो है मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाला हूँ मेरी पुरानी गाड़ी का एंड मेरी नई गाड़ी का, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कुछ सुधार करा है या नहीं, या डिग्रेड कर दी क्वालिटी। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप अपनी तरफ से लिख के बता दो कि भाई ने बिल्ड क्वालिटी में सुधार करा है, बिल्ड क्वालिटी डिग्रेड होगी। तो भाई बिना नाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई दोनों गाड़ी अपने सामने खड़ी है, ठीक है, पता होगा ये जो मॉडल है ये है अपना 2012 का और ये जो मॉडल है ये है 2016, तो 4 साल पूरे हो चुके हैं इस गाड़ी को। एंड भाई अब जो है ना मेन मुद्दे बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि बिल्ड क्वालिटी में क्या इन्हें इम्प्रूवमेंट करी है। देखो भाई, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करी थी तो उस टाइम बिल्ड क्वालिटी का जो कंसेप्ट था वो हम लोग ही लेके आए थे मेन, उसके बाद ना जाने कितना बिल्ड क्वालिटी पे इश्यूज उठे थे। हर्ष व्लॉग्स वाले चैनल पे आपको दिखा होगा, तो स्टार्टिंग की जो वीडियो थी बलिनो की बिल्ड क्वालिटी की मैंने लेके आया था एंड मैं लेके आया था। उसके बाद जो है शोरूम्स में भी वो शो करी जा रही थी कि भाई हाँ ऐसे जो है, आप देख सकते हो कि एक यूट्यूब चैनल है उस पर दिखा रखा है, उसके बाद जो है दिखा रखा था कि YouTube चैनल पे भी दिखा रखा था, तो उन्होंने शोरूम में शो करी थी, तो बहुत बढ़िया बात है। खैर भाई देखो, अब जो मेन चीज़ आती है कि क्या मारुति ने अपनी बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव करी, और हमने तो भाई 2-3 टेस्ट में मतलब एक प्रूव करने की कोशिश करी थी कि हाँ भाई दबा दुबो के कि कितनी कुछ जो स्ट्रांग है। तो देखो भाई, हमने जो सबसे पहले चीज़ करी थी वो ये करी थी कि ये जो हिस्से हम वो दबा के देख रहे थे, तो यहाँ मैं आपको दबा के दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब अंदर बहुत कम दब रही है, दिख रहा होगा ये देखो। और सेम इधर ही अगर हम बलिनो पे चले जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो भाई, तो भाई एक चीज बोलूंगा कि ये जो है ये मेरे को थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, थोड़ा सा हल्का लग रहा है, इसका पतरा जो है यानी कि इसकी जो मेटल शीट है वो थोड़ी सी हल्की है, बट इतनी भी ज्यादा अंदर नहीं जा रही। यहाँ पे एक बार साउंड सुन लीजिएगा, और सेम अगर इसी साउंड, ये वाली साउंड सुनाऊं तो साउंड में आपको कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती थी भाई की गाड़ियां जो हैं, ये जो गाड़ी है इसमें एक भी एयरबैग नहीं और इसमें 2 एयरबैग हैं, तो भाई क्या ये सेफ नहीं है? तो भाई अब जो है ना, ये वाला पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पे बनती थी गाड़ी, ये जो नया प्लेटफॉर्म आया हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म नाम से आया, हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं वो सब कुछ है। तो भाई देखो, एक थोड़ा सा और पहले वायरल हुआ था कि अगर ऐसे करके मारुति गाड़ी पे मार रहे थे तो कुछ अजीब सी आवाज निकल रही थी, और दूसरी फॉक्सवैगन मार रहे तो अजीब सी निकल रही थी, बट यहाँ पे देखो मैं इस मारू तो आपको कुछ खास डिफरेंस महसूस नहीं होगा आवाज में, दोनों एकदम सेम ही है, कुछ खास नहीं हुआ। तो भाई जो लोग बोलते थे कि भाई पहले की जो मारुति की गाड़ियां थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी एंड अब की जो गाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा वीक हैं, तो भाई देखो मैंने आपके सामने दिखा दिया, वीडियो को मेरे को ज्यादा लंबा नहीं खींचना, मैं फेंडर लाइनिंग दबा के दिखा देता हूं, फेंडर दबा के दिखा देता हूं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, दब रहा है फेंडर यहां से, और इस फेंडर की बात करूं तो मतलब इसमें वो फ्लेक्सिबल नहीं है इतना उस तरफ वाला, क्योंकि इसका एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ वाला दबा के दिखा दूं तो भाई ये उस जैसे तो नहीं दब रहा एटलीस्ट, बट हाँ मैं इतना बोलूंगा कि गाड़ियों में जो है कुछ खास इम्प्रूवमेंट या कुछ खास डिग्रेडेशन नहीं हुई है, सेम जो है वैसा का वैसा एज इट इज लोहा है, मैं बोलूंगा 19-20 का फर्क होगा, बट ज्यादा फर्क अभी भी मारुति की गाड़ियों में नहीं आया। फर्क कहाँ आया मैं आपको बताता हूँ भाई, जिस टाइम पे बलिनो लॉन्च हुई थी उस टाइम पे इंडिया में सिक्योरिटी सेफ्टी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, एंड चूंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, इस वजह से जो है ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ एंड ये गाड़ी बहुत ज्यादा लोगों की आंखों में आ गई कि ये जो है बहुत ज्यादा कमजोर गाड़ी है। और ये इससे पहले जब जिस टाइम भी ये गाड़ियां आती थी उस टाइम तक कुछ भी ऐसा नहीं था कि सिक्योरिटी 5-स्टार रेटिंग 4-स्टार रेटिंग या ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता था, बट ये जब गाड़ी आई थी तो उसके टाइम पे
सिक्योरिटी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, मायने करती थी, एंड यही रीज़न रहा कि इस गाड़ी को इतनी ज़्यादा लोगों की तरफ से हेटरेट भी मिली एंड काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिला। प्यार का तो रीज़न मैंने आपको बता दिया भाई, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग गाड़ियों में से अभी भी है ये, और उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न ये है भाई कि जो गाड़ी है वो फीचर पैक्ड है और मारुति की तरफ से आ रही है, तो वो रीज़न है। और यहाँ पे तो भाई देखो सिंपल सा, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं खींचूंगा, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत से लोग जो हैं इस चीज़ पर डाउट करते हैं कि भाई जो गाड़ियाँ हैं वो क्या अब मारुति ने बिल्ड क्वालिटी गियर दी है, तो मैंने आपके सामने दिखा दिया भाई कोई खास फर्क नहीं है दोनों गाड़ियों में, बाकी वो आप पे डिसाइड करना है कि भाई आपको कैसा कुछ लगता है। मैंने आपको लाइव दबा के दिखा दिया, यही मैंने अपनी जो सबसे पहली वीडियोस थी उनमें करा था कि मैं दबा के दिखा दिया था साइड से कि डोर दब रहा है या नहीं दब रहा, तो वो आपको दिख चुका है। ठीक है, हाँ तो भाई जैसे कि आपने देखा होगा मैंने आपको लाइव कंपैरिजन दिखाया दोनों मेरी पुरानी और नई गाड़ी का, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ सारा का सारा कि आप लोग क्या समझते हैं और आप लोगों का क्या समझना है कि भाई जो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है वो सुधारी गई है और डिग्रेड करी गई है। मुझसे पूछा जाए, मैं अपना वर्डिक्ट दूँ तो भाई सीन ये है कि मेरे को कुछ खास फर्क लग नहीं रहा दोनों में, पुरानी वाली भी ऐसे ही है, रेड्स के डोर थोड़े ज़्यादा मजबूत है मैं ये बोलना चाहूँगा कंपेरेटिव बलिनो, बट दोनों का प्लेटफॉर्म देन अलग आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होती हैं। खैर भाई कमेंट सेक्शन आप मुझे लिख के बताएं कि क्या आपको सही लगता है क्या गलत लगता है। मेरा काम था आपको साइड बाई साइड दोनों गाड़ियाँ दिखाने का, मैंने दिखा दिया। आज की वीडियो से इतना ही था, उम्मीद करता हूँ पसंद आए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं कल नए वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।